Assalamualaikum, welcome back to my channel. आज हम बनाएंगे चिकन स्वीट कॉर्न सूप, जिसके लिए मैंने रेडी स्वीट कॉर्न क्रीम ली हूँ। ये टिन 460 ग्राम का है। इसे हम एक सॉस पैन में ले लेंगे। हमने इंस्टेंट कुकिंग के लिए स्वीट कॉर्न की रेडी टिन यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके वहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप इसे घर में भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको हाफ के जी स्वीट कॉर्न लेना होगा और उसे बॉईल कर लेना थोड़ा सा सॉल्ट डाल के। फिर उसमें से आधा पोर्शन यानी 250 ग्राम स्वीट कॉर्न निकाल के आप उसका फाइन पेस्ट बना लेना और 250 ग्राम स्वीट कॉर्न को अखा रखना। फिर जैसा हमने इस तरह इसे पैन में डाले हैं, आप स्वीट कॉर्न का पेस्ट और अखा स्वीट कॉर्न दोनों पैन में डाल देना और इसके बाद जो हम नेक्स्ट प्रोसीजर बताएगी आप उसी तरह कंटिन्यू कर सकते हैं। इसे एक मिनट के लिए अच्छे से विस्क कर लेंगे। अभी हम इसमें 8 मेजरिंग कप चिकन सूप डाल देंगे। ये जो हम चिकन बॉईल करते हैं उसका जो स्टॉक आता है ये वो स्टॉक है। बोन्स वाले चिकन को ही हम बॉईल करके उसका स्टॉक बनाएंगे, उसी का टेस्ट सबसे बेस्ट आता है। स्टॉक डालने के बाद भी इसे अच्छी तरह एक बार विस्क कर लेंगे और अब हम इसे हाई फ्लेम पे बॉईल आने तक कुक करेंगे और थोड़ी थोड़ी देर से हम इसे स्टर करते रहेंगे ताकि ये बॉटम पे स्टिक ना हो जाए। सूप में बॉईल आ गया है, अब हम इसमें सीजनिंग ऐड करेंगे। 4 टेबलस्पून शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट। हमने स्टॉक बनाए थे चिकन स्टॉक बोन्स का, उसमें भी हमने सॉल्ट ऐड किए थे, तो आप इसको टेस्ट करके ऐड करना। मैंने 1 टीस्पून ऐड करी हूँ। 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, 1 टीस्पून अजीनोमोटो, ये ऑप्शनल है। इसे स्टर करेंगे एक मिनट के लिए, इसको बॉईल होने देंगे हाई फ्लेम पे, फिर फ्लेम को स्लो कर देंगे। एक मिनट हो गई है, अब हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पे 4 to 5 मिनट्स के लिए हम इसे कुक करेंगे। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर स्लरी ऐड करेंगे। उसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर 1/4 कप चिकन स्टॉक में ऐड करी हूँ। इसकी स्लरी बना ली है हमने। अब हमें जितनी थिकनेस चाहिए सूप की उसके हिसाब से हम ऐड करते रहेंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे। कॉर्नफ्लावर डाल के हमने इसे 2 मिनट पका लिए थे और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर लीजिए, एकदम परफेक्ट है। इसमें हम ऐड करेंगे एग वाइट्स। मैंने यहाँ 2 एग वाइट्स ली हूँ। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसे अच्छे से बीट कर ली थी। एग वाइट्स डालते वक्त हम इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे और फ्लेम को हाई पे रखेंगे। एग वाइट्स डाल के भी मैंने 2 मिनट के लिए इसे कुक कर ली थी। अब हम इसमें 1 कप बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन ऐड करेंगे। चिकन आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। फ्लेम अब हम ऑफ कर देंगे और चिकन सूप सर्व करने के लिए रेडी है। कॉर्न सूप को हम विनेगर, सोया सॉस और चिली सॉस के साथ सर्व करेंगे।